हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल ऑफ अन अकेडमी, द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सो लर्नर्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऊपर मिलती है लर्नर्स आपको डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में, सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर रहता है हर लेक्चर का, हर सेशन का अनलिमिटेड एक्सेस, हर सेशन का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। वेल फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए हमको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से या एप स्टोर से डाउनलोड करना होता है। और क्योंकि ये एक फ्री ऐप है, इससे हमको फैसिलिटी मिलती है कहीं पर भी किसी भी समय पर पढ़ने की। एक फुल्ली लोडेड ऐप है ये, दिस इज अ फुल्ली लोडेड ऐप। इस ऐप से आप जो है कहीं पर भी कोई भी टाइप का लेक्चर रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, वो आप अटेंड कर सकते हो, लाइव क्विजेस दे सकते हो, अगर आपको रिविजन करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है वेल फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमको पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर, जैसे सुदर्शन गुर्जर हो गए, मृणाल पटेल हो गए, प्रकाश कुमार, आयुष सांगी, रोमन सैनी, मुदित गुप्ता, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक, ये एजुकेटर्स, और मैं, मेरा नाम अमित मोदी है। दोस्तों, मैंने 4 बार सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम दिया है और 2 बार जिसमें से इंटरव्यू फेस किया है। 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ। ये मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल है, anacademy.com/@amitmodi0408, और ये है अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल anacademy_amitmodi। PDFs के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, as well as latest information about my courses, about civil services, about जो भी और extra चीजें हैं उनके लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं। Well friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चोला एम्पायर। 900 AD से 1200 AD तक का एक पीरियड था साउथ इंडिया में, जो कि चोला रूलर्स ने रूल किया। एंड ये बेसिकली जेनिथ का पीरियड है, चोला एम्पायर स्टार्ट हो जाती है 850 AD के अराउंड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जेनिथ पर पहुंचती है। ठीक है, ये चीज, एक डिस्टिंक्ट कल्चर जिसको हम साउथ इंडियन कल्चर बोलते हैं, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये इस डायनेस्टी के अराउंड में जो है एस्टैब्लिश हुआ। चोला एम्पायर जो थी, दैट वॉज द ओनली एम्पायर ऑफ द एंशियंट और द मिडिवल इंडिया, वी कैन से दैट, इसके पास स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस थी। बिल्कुल, नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, चाइना तक इनकी नेवी पहुंच चुकी थी। ठीक है, आज हम इनके बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी के ऊपर हमको कॉम्प्रिहेंसिवली सारे कोर्सेज मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज होता है एक सब्सक्रिप्शन के साथ, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनसीईआरटी तक का समरी हमको मिल जाता है, आंसर राइटिंग कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, ये सब हमको यूपीएससी सीएसई के लिए मिल जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो एक सब्सक्रिप्शन और बिल्कुल घर बैठे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, क्या है? अनलिमिटेड बेनिफिट्स, बहुत सारे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, हमको घर बैठे पढ़ने, बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में हम घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। हम लोग भैया इनके लिए जाते हैं दिल्ली, इलाहाबाद और जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहां पर, बिल्कुल हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, लाखों में फीस देते हैं, वही काम हमारा अनअकैडमी के एक छोटे से सब्सक्रिप्शन के साथ हो जाता है। 100% सिलेबस का कवरेज, लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में 100% कवरेज का सिलेबस नहीं होता, पर भैया यहाँ पर सब कुछ होता है। PDF फॉर्मेट्स में अनलिमिटेड एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आंसर राइटिंग, लाइव टेस्ट एंड सीरीज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये चीजें, ठीक है। पर हमको क्या करना होता है? हमको सिर्फ सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट करना रहता है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस का सब्सक्रिप्शन लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये मिलता है हमको 12 मंथ्स के लिए 49,500। ठीक है, ये चीज 1 ईयर के लिए, जैसे ही आप अमित मोदी ये रेफरल कोड यूज करोगे 44,550, इसमें आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाता है पूरे 12 महीने के लिए, जिसमें आपका पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर होता है। 2 ईयर के लिए अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो उसका कॉस्ट है 72,000। 24 मंथ्स का जो कोर्स है आफ्टर द डिस्काउंट, आफ्टर यूजिंग द कोड अमित मोदी, ये मिलता है हमको 64,800 में, जस्ट 2700 रुपीज पर मंथ हमको ये पड़ता है, 2250 रुपीज पर मंथ ये हमको रहेगा अगर आप 3 ईयर का कोर्स ऑप्ट करते हो 81,000 में। इसका ओरिजिनल प्राइस है 90,000। इसमें हमको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है,
3 साल मतलब 3 साल, 36 महीने मतलब डेट टू डेट 36 महीने हमको पढ़ने का मौका मिलता है। एक और सब्सक्रिप्शन है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको पर्सनल कोच रहेगा, यानी कि एक तो हम है साथ में एक कोच और आपको मिल गया। डेली क्वेश्चन एंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, 69,500, 1,07,000, 1,41,000, ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर रेस्पेक्टिवली ये फी स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे ही आप अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते हो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जस्ट 3,525 रुपीज पर मंथ। अब इससे सस्ता और इससे अच्छा आपको कहां पर मिलने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर बैठे पढ़ने का मौका। घर पर ही बैठ के आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपने सिविल सर्विसेज जैसे प्रेस्टीजियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। वेल फ्रेंड्स, ये अभी एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है, हमको ये कोर्स 1 ईयर का 49,500 में मिल रहा है ऑप्शनल के साथ, लेकिन 1 नवंबर से अगर आप जैसे जाओगे आपको इसी कोर्स के 77,000 जो फीस है ये आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शनल प्राइस में प्राइस जुड़ जाएगा। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन है ऑप्शनल कोर्सेज का, जो आपके एक सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप 1 ईयर में इंटरेस्टेड हो तो 1 ईयर का ऑप्ट करो, 2 ईयर में इंटरेस्टेड हो 2 ईयर का ऑप्ट करो, जिसमें आपको ढेर सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। यस, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, लॉ, मैनेजमेंट एंड लिटरेचर, ये आपको इंडिया के किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेंगे, अनअकैडमी को छोड़ के। अनअकैडमी पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में पॉपुलर ऑप्शंस भी है, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, और भी ऑप्शंस इसके ऊपर आने वाले हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं जैसे, वो सब इसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, ये होलिस्टिक लिस्ट है, 1 मंथ का ये आपको ये पड़ता है, 6 मंथ का ये कॉस्ट है, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। यूजिंग द कोड अमित मोदी आपको 10% का इन पूरे कोर्सेज के ऊपर, इन सारे कोर्सेज के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर चलती हैं, ये डेली चलती है क्लास, हम लोग मिलते हैं डेली 10:30 बजे, अपनी एक क्लास होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल पार्ट 1 इसका रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे आज रात ठीक 10:30 बजे। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अमित मोदी नाम को सर्च करो और आ जाओ 10:30 बजे। ये टोटली फ्री क्लास है, इट इज अ फ्री क्लास, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंसिवली एक कोर्स मैंने अभी बनाया है, दैट इज ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, पर इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में ये कोर्सेज देख सकते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। तो दोस्तों, चोला एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ग्रीटिंग तो बनता है ना। यस, सो लर्नर्स, वेलकम, वेलकम टू द क्लास, वेलकम, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम अयान, वेलकम अजय, रोहित, आदर, वेलकम बेटा, वेलकम, वेलकम अनुराग, वेलकम मनप्रीत, वेलकम टू द सेशन, वेलकम मोहित, वेलकम प्रखर, वेलकम टू द सेशन, कैसे हैं आप सभी लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली चोला एंड इंपीरियल चोला। बिल्कुल बेटा, अभी देखो बताते हैं सारी चीजें, ये क्वेश्चन का जवाब भी अभी देते हैं। वेलकम प्रशांत, वेलकम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली चोला एंड इंपीरियल चोला। अरे बिल्कुल बेटा, अभी देखते हैं ना, देखो बताते हैं आपको डिफरेंस क्या है अर्ली चोलास और इंपीरियल चोलास में। ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इंपीरियल चोलास के बारे में, ठीक है। हमने जो एंशियंट इंडिया के टाइम पर, यानी कि संगम लिटरेचर के टाइम पर जो हमने पढ़ा था, दैट वॉज अबाउट द अर्ली चोलास, ठीक है। ये चीज देखो भैया, चोला एम्पायर 900 एडी से लेकर के 1200 एडी तक, ये जो है इंपीरियल चोलास है, ठीक है। यस, अर्ली चोलास जो थे, जिनका जो एरिया था ऑफ इन्फ्लुएंस वो काफी छोटा था, रेयूर इनका कैपिटल था, इस यहाँ पर कहीं इनकी कैपिटल बनी हुई थी, एंड यस दे वर डिफाइंड ओनली इन दिस रीजन एंड दे वर नॉट एट ऑल पावरफुल, बट एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी, थोड़ा सा ट्राइबल कम्युनिटी थी, नोमैड्स थे थोड़े बहुत, ठीक है। एग्रीकल्चर भी परफॉर्म करते थे, कॉटन ग्रो करते थे और ट्रेड भी करते थे कॉटन के अंदर, लेकिन इंपीरियलिस्टिक पावर की तरह नहीं थे, इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं था। दो लिटिल बिट पांड्यास एंड द चीलास, इन्होंने अटैक्स भी किए, थोड़ा बहुत टेरिटरी जो है कॉन्कर भी किया, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना यहाँ पर इन चोलास ने एस्टैब्लिश किया। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द इंपीरियल चोलास, ठीक है, इंपीरियल चोलास। बेसिकली ये जो चोला एम्पायर है ये इमर्ज होता है इन समथिंग अराउंड 850 एडी के आसपास, ठीक है। यस, विजयलाया वन, ही वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन जो रियल पावर थी इन चोलास की, दैट केम
इनटू फोरफ्रंट एट द टाइम ऑफ राज राजा एंड द राजेंद्र वन. राज राजा वॉज द ग्रेट एंड द राजेंद्र वन जो कि उनके बेटे थे ही वॉज द ग्रेटेस्ट. ठीक है, ये चीज. तो इन दोनों रूलर के टाइम पर जो है चोलास अपनी इंपीरियल पावर के जेनिथ पर थे. राजेंद्र वन के बाद में धीरे 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 चोलास का पावर कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है, ये डिफरेंस है प्रशांत, ये डिफरेंस है इंपीरियल और अर्ली चोलास के बीच में. ठीक है बेटा, ये चीज. ठीक है, ये चीज है ना, ये पार्ट. ठीक है, हाँ बेटा, अपन विपिन चंद्रा सीरीज भी स्टार्ट करेंगे लेकिन इसके खत्म होने के बाद. ठीक है, ओके. ये था डिफरेंस. तो देखिए चोल एम्पायर ये अरोज हुआ. हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक, हम लोगों ने ये देखा था कि इस रीजन में चालुक्यास थे. ठीक है, इस रीजन में चालुक्यास थे. अगर आपको याद हो तो इस रीजन में पल्लवास का रूल था, इस रीजन में पल्लव रूलर्स का था. तंजावुर, ठीक है, उरैयूर जो है उसके जो है चोलास, दे वर द फ्यूडेटरीज. यस, चोलास दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द पल्लव रूलर्स. और जैसे ही पल्लव रूलर वीक हुए ये फोर फ्रंट पे आ गए और विजयलया ने तंजावुर को कैप्चर किया. तंजावुर यानी कि आज का जो तंजौर है या तंजावुर है उसको बनाया अपना कैपिटल. बिल्कुल, अपना कैपिटल बनाया. ठीक है, ये चीज. ठीक है, चोला एम्पायर ये 9th सेंचुरी एडी में राइज होता है और लगभग लगभग ये पेनिनसुलर इंडिया का ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट है. ठीक है, टिल श्रीलंका, श्रीलंका को भी ये लोग कैप्चर कर लेते हैं. सबसे बड़ा पावरफुल इनका नेवी होता है. बिल्कुल, श्रीलंका और मालदीव तक ये कैप्चर किए होते हैं. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया तक इनका जो है इन्फ्लुएंस है. ठीक है, और चोला एम्पायर अपना साउथ इंडियन हिस्ट्री को जेनिथ तक लेकर के जाता है. फाउंडर कौन है? द फाउंडर वॉज विजयलया. He captured Tanjore in 850 AD and he made Tanjore as his capital. ठीक है, बिल्कुल. By the end of the 9th century, यानी कि इस 850 AD, यानी कि 910th century जैसे ही शुरू होती है, तब सारे पल्लवास के लोग डिफीट कर देते हैं. टोडाई मंडलम यानी कि कांची जिसे कहा जाता है, वहां पर पांड्यास भी वीक हो जाते हैं और एंटायर तमिल कंट्री जो है इनके कंट्रोल में आ जाती है. अगर आप लोगों को याद हो तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवास एंड द चालुक्यास ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन वॉज रूल्ड बाय द मदुरई पांड्यास. ठीक है, पांड्यास. और इनको चोल रूलर है, इंपीरियल चोला जिनको कहा जाता है, वो इनको सब्जुकेट कर देते हैं. ठीक है, और इस पूरी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले आते हैं. चीराज भी गए, पांड्यास भी गए, अब चोलास फोर फ्रंट पर आ गए. ठीक है, ये चीज. ऑलराइट, यस. ठीक है, डिफेंडेड. ठीक है, दे डिफेंड देयर पोजीशन अगेंस्ट द राष्ट्रकूटास. लेकिन कृष्णा थ्री जो है जो चोला किंग को हरा देते हैं. लेकिन जैसी कृष्णा थ्री की डेथ होती है उसके बाद में 965 एडी तक राष्ट्रकूट एम्पायर फिनिश. कृष्णा थ्री की डेथ के बाद में 965 एडी के बाद चोला जो है वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं और वो तुंगा भद्रा तक. आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज रिवर कृष्णा एंड दिस इज रिवर तुंगा भद्रा. यहाँ पर है ये रायचूर दुआब, मोस्ट प्रोमिनेंट ये वाला जो रीजन है पूरा, इसको वो अपने कंट्रोल में ले आते हैं. ये पूरा एग्रीकल्चर रिच जोन है, ये थोड़ा सा हिल कंट्री है. एंड नाडू रीजन, इस एग्रीकल्चरली रिच रीजन इट इज, इसको वो अपने कंट्रोल में ले आते हैं. ठीक है, अपने कंट्रोल में लाते हैं. And they became the powerful empire. Yes, they laid the foundation of the powerful empire in the South India. Even they also subjugated the Eastern Chalukyas of Vengi. बिल्कुल, Eastern Chalukyas of Vengi, क्योंकि Chalukya का later branch था. ठीक है, and they also conquered over the Gangas of Kalinga, Odisha, and they rose their arm under the Rajendra I. ये पहुंच जाते हैं West Bengal तक. बिल्कुल भैया, बंगाल तक पहुंच जाते हैं और गंगा रिवर तक को ये कॉन्कर करके आते हैं. इसीलिए राजेंद्र वन को गंगई कोंडा कहा जाता है. गंगई कोंडा, कोंडा का मतलब होता है कॉन्करर. ये तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्करर, गंगा को जीतने वाला. राजेंद्र वन का टाइटल. और इसी के थ्रू वो एक सिटी बनाते हैं. इज द सिटी इन द टाइम ऑफ चोलास वर कॉल्ड एज पुरम. चोला का सिटी था तो चोलापुरम. तो गंगई कोंडा चोलापुरम एक फेमस सिटी ले करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि कावेरी डेल्टा के पास में गंगई कोंडा चोलापुरम ये लेक, ये एक सिटी बनाई जाती है. अब एक छोटा सा विलेज है ये. ठीक है, पर एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी मैग्निफिसेंट सिटी. यस, इट वाज अ वेरी 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 मैग्निफिसेंट सिटी इन द टाइम ऑफ चोला. ठीक है, राजेंद्र वन 985 AD से लेकर के 1014 AD और 1014 से लेकर 1044 AD ये चोला रूलर का, बिल्कुल 985 से लेकर के 1044 AD तक का जो ये रूल है, दिस इज द गोल्डन एज फॉर द चोला एम्पायर. बिल्कुल, चोला एम्पायर, राजे राजा वन ये अपना एम्पायर को जेनिथ पर लेकर के जाते हैं. चीरा
कीरा किंगडम, यस केरला पुत्र जिनको कहा जाता है, इस रीजन में यहां पर इनको हरा देते हैं। त्रिवेंद्रम, क्यूलॉन, कोचीन, ये सब जगह पर वो एनेक्स कर लेते हैं। इवन ही ऑल्सो सब्जुगेटेड मदुरई पांडियन किंग को हराने के बाद, श्रीलंका तक को एनेक्स कर दिया जाता है। अनुराधापुरा, दैट वॉज द कैपिटल, अनुराधापुरा दैट वॉज द कैपिटल ऑफ द श्रीलंकन सिलोनीज किंग एट दैट टाइम। ठीक है, यस, उनका मेन मोटिव क्या था? यस, ये पार्टली पार्टली मोटिव क्या था कि जितना ज्यादा एरिया हम लोग कॉन्कर करेंगे हमारा ट्रेड उतना ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, हमको रेवेन्यू जनरेट होगा। यस, ट्रेड पर टैक्स लगा सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि भैया इंडिया में उस टाइम पर हमने पढ़ा था कि फ्यूडल सिस्टम काफी ज्यादा इमर्ज हो चुका था, एंड यस इट वाज आल्सो प्रेजेंट इन द चोल एम्पायर आल्सो, बट दीज टू रूलर दे ट्राई टू दिस फ्यूडल सिस्टम टू सम एक्सटेंट, बट बाद में इसी फ्यूडल सिस्टम के चलते जो है ये एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, पूरा का पूरा कोरोमंडल कोस्ट, पूरा का पूरा कोरोमंडल कोस्ट। मैंने आपको क्या बताया था, कोरोमंडल कोस्ट, रिवर कृष्णा, अगर जोग्राफी अगर आपने पढ़ी हो तो रिवर कृष्णा से लेकर के रिवर कावेरी तक का ये जो पार्ट है, कन्याकुमारी तक का, दिस एंटायर कोस्ट इज कॉल्ड एज द कोरोमंडल कोस्ट। इस पूरे कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट पूरा और मलबार कोस्ट, बिल्कुल फ्रॉम मैंगलोर टिल कन्याकुमारी, ये है मलाबार कोस्ट, ये पूरा जो है इनके अंडर में है। इवन दे ऑल्सो कॉन्कर्ड द मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स, ठीक है। और राजेंद्र वन जो थे, राजेंद्र वन जो थे, ठीक है, ओके ओके ओके, लबोनिया, यस, इट इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट, इट इज जस्ट अ स्टोरी बेटा, है ना, इट इज जस्ट अ स्टोरी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरीज, ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग द लाइंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी बेटा, ठीक है, यस, ऑन द मैप आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं अपनी स्पीड और कम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेटा राज राजा वन है ना, यस, है ना, यस, राज राजा वन जो है, श्रद्धा आज हम लोग पढ़ेंगे अन अकेडमी पर इंडियन रिवर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम, है ना, अन अकेडमी पर रात को ठीक 10:30 बजे। ओके, नाउ राज राजा वन जो है, ही आल्सो अनेक्स्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा किंगडम, कर्नाटका में यहाँ पर गंगा रूलर्स रूल करते थे, ठीक है, एंड द वेंगी आल्सो ही ओवरran, ठीक है। और राजेंद्र वन जो थे वो अपने ही फादर के टाइम पर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिए गए थे, दैट्स व्हाई ही हैड अ फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यस भैया, तो जैसे ही राज राजा वन सीट से हटते हैं, राजेंद्र वन जो है वॉज अ सक्सेसर ऑफ द राजा राजा, ठीक है। राज राजा की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, जो एनेक्सेशन वाली जो पॉलिसी थी, उसको जो है राजेंद्र वन आगे लेकर के जाते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है। और राजेंद्र वन जो है, राज राजा वन जो है, वो पांड्या और चीरा के एम्पायर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंप्लीटली श्रीलंका को भी वो अपने रूल के अंडर जो है वो मिला लेते हैं। राजेंद्र वन जो है, बिल्कुल, राजेंद्र वन और राज राजा वन ये शिव भक्त हैं, यस, दे वर ऑल द शैवाइट्स, ठीक है। और विष्णु टेम्पल्स भी ये यहाँ पर बहुत जगह पर, बिल्कुल बहुत सारी जगहों पर ये लिए करते हैं, ठीक है। मोस्ट फेमस जो टेम्पल बनाया गया था, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राज राजा वन, जिसको हम लोग बृहदरेश्वर टेम्पल बोलते हैं और राज राजा टेम्पल बोलते हैं, यस, राज राजा टेम्पल, ये तंजोर यानी कि थंजावुर में ये टेम्पल बना है, एंड दिस इज द अर्लीएस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हालांकि देखा जाए तो ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये पल्लवा रूलर्स के टाइम पर इनिशिएट हो जाती है, बट इट रीच्ड इट्स ज़ेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राज राजा वन, ठीक है। अब द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होती है ये अभी हम लोग देखते हैं जस्ट थोड़ी देर में, बिल्कुल जैसे ही हम लोग ये वाला पॉलिटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे हम कल्चरल लाइफ के ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, चोला जो किंगडम है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट खाली टेंपल बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये अपनी प्रोमिनेंट प्रोमिनेंसी जो इसके लिए आती है इस तीन चीजों पर आती है। पहली तो टेंपल आर्किटेक्चर हो ही गया, दैट बी कॉल्ड एज अ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा नेवल फोर्सेस हो गया, है ना। तीसरा जो हो गया दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ये इन्होंने साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश किया। विलेजेस, बिल्कुल विलेजेस को इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी इन्होंने प्रोवाइड कर दी कि बिल्कुल जितने भी विलेजेस थे, बिल्कुल भैया लैंड फ्री, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स तो ये भी दिया करते थे, फ्यूडलिज्म तो यहां पर भी था, लेकिन चोल जो रूलर्स थे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने विलेजेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, यस। और इनके जो ऑटोनॉमस रूल था विलेजेस का, उसमें इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो जिनको लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं।
इसीलिए जो विलेजर्स थे दे ऑल वर क्या था, दे ऑल वर लॉयल टू द चोला रूलर्स, इसीलिए इनको कभी भी फ्यूडलिज्म से दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही चोला रूलर्स चेंज हुए, वीक सक्सेसर्स आना शुरू हुए, ये सिस्टम एक तरीके से फिजल्ड आउट होना शुरू हो गया। देन अल्टीमेटली दिस एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू द वेरियस स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, और फिर बाद में जब दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने अटैक किया, यस वी ऑल नो दैट मलिक काफूर के बारे में, मलिक काफूर ने 14th सेंचुरी एडी में पूरे साउथ इंडिया को एक तरीके से कैप्चर कर लिया था। ही वॉज अ ब्रेवेस्ट जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे अभी नहीं, ठीक है। रूलर रूलर्स ने सबसे अच्छी एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि इन्होंने इन्होंने जो है टेम्पल्स के ऊपर अपने इंस्क्रिप्शंस लिखना शुरू कर दिए, टेम्पल्स की वॉल के ऊपर। इसीलिए हमारे को बहुत ज्यादा इनके बारे में पता है, इनकी विक्ट्रीज के बारे में पता है। हमारे पास लाइव इंस्क्रिप्शंस है और रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शंस है, और उनकी जो है कन्फॉर्मिटी भी हमको दूसरे दौर जगहों पर होती है। जैसे वो अपने आर्म्स को लेकर के पहुंचे इंडोनेशिया, जावा पेनिनसुला, सुमात्रा, मलाया पेनिनसुला, इन सबको कैप्चर किया, श्रीलंका को कैप्चर किया, एनवॉइस भेजे गए चाइना, मालदीव को कैप्चर किया। तो हमको ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीजें देखने को मिलती हैं, ये नरेशन हमको इंडियन इंस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, वहां पर भी हमको यहाँ पर भी कल्चरल कॉन्टैक्ट जो है ऑफ द चोला रूलर्स, ये भी हमको देखने को मिलते हैं इन दीज फार फ्लंग एरियाज। यस, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक तक का ये नाम दिया गया है। यस, ऐसा कहा जाता था कि नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि बिल्कुल बे ऑफ बंगाल, पूरे बे ऑफ बंगाल में सिर्फ चोला रूलर्स का ही रूल चलता था, पूरे बे ऑफ बंगाल में, है ना ये चीज। ओके, यस, रिमार्केबल जो एक्सप्लॉइट्स है, रिमार्केबल जो एक्सप्लॉइट्स थे भैया, वो है राजेंद्र वन के। इन्होंने कलिंग को कॉन्कर किया, बंगाल तक पहुंच गए, चोला आर्मीज को गंगा रिवर तक लेकर के चले गए, और अपने साथ लाए गंगा का पानी, गंगा का पानी, और इस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने टैंक बनाया, वाटर टैंक बनाया, और वहीं पर गंगाईकोंडा चोलापुरम, यस यहां पर एक सिटी बनाई, ठीक है, यस यहां पर एक सिटी बनाई, न्यू कैपिटल नियर द माउथ ऑफ द रिवर कावेरी दैट वी कॉल्ड एज द गंगाईकोंडा चोलापुरम, द सिटी ऑफ द चोला हु कॉन्कर्ड गंगा, इसका मतलब, इसका लिटरल मीनिंग, ठीक है। राजेंद्र वन अगेन श्री विजय एम्पायर दैट इज ऑफ इंडोनेशिया, बिल्कुल जावा, सुमात्रा एंड मलाया पेनिनसुला, काम्बोज, है ना, यस काम्बोज तक, यस कंबोडिया तक वो पहुंच गए, ठीक है, यस पूरा का पूरा ये रीजन था, जितना भी रीजन था उनको जो है एनेक्स कर लेना होता है। क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन, जस्ट टू सिक्योर द ट्रेड, भैया अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके साथ, इन रूलर्स के साथ में, इवन श्री विजया तक, ठीक है, श्री विजया तक जो है, ठीक है, ये चीज श्री विजया जो है, एक मिनट क्या हो गया भैया, क्या प्रॉब्लम आ गई सर, वन टैपिंग द डिस्कस सेक्शन, यू विल ज्वाइन डिस्कशन ग्रुप इन टेलीग्राम है, अच्छा अनुराग, ओके, है ना, सर को फॉलो करना पड़ेगा, यस बेटा, नहीं अनअकैडमी ऐप पर ना, ओके, चाहिए क्लास के बारे में है, आज ये सिस्टम है, इंटरेस्टिंग वन, ओके, चैनल नेम, ओके, चलो ठीक है, क्या हुआ भाई गिरिजा सर, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर क्लास, बेटा डेली 9 PM पर होती है क्लास, 9 PM पर होती है, 10:30 PM पर अनअकैडमी ऐप के ऊपर होती है ना, यस थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच, सर आपकी वॉइस कट रही है, बेटा मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, आपके एंड पर कुछ दिक्कत है, मैं प्लीज उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है, ये चीज मेरे फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस यहाँ से गंगाईकोंडा से पूरा श्री विजय एम्पायर जो है यहाँ पर, ये है मलाया पेनिनसुला, इस तक को उन्होंने कॉन्कर किया, एंड यस उनका जो इन्फ्लुएंस है दैट वाज द एंटायर बे ऑफ बंगाल, इसको चोला लेक कहा जाता है, चोला लेक, ये क्या है भैया, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज बे ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है, ये पूरी की पूरी चोला लेक है, ये नाम पड़ गया था, यस इतना नेवल एंक्रोचमेंट था इस पानी के अंदर, बिल्कुल यहाँ पर इवन कलिंग ने भी और बंगाल के जितने भी पाल रूलर्स थे उन्होंने भी इतना अच्छा नेवी डेवलप नहीं किया था जितना अच्छा नेवी चोलास के पास था, बस फर्क सिर्फ इतना रहा कि बेटा ये जो था इसका लीगेसी आगे तक एक्सटेंड नहीं हो पाया, और रूलर्स ने कभी भी नेवल फोर्सेस को जो स्ट्रांग बनाने की कोशिश नहीं करी, अगर हम इंडिया का हमारा नेवल फोर्सेस काफी स्ट्रांग होता ना तो शायद इन ब्रिटिशर्स के या पोर्चुगीज के कंट्रोल में हमारा पूरा का पूरा कोस्ट लाइन कभी नहीं जाता,
कभी नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप पिंक पिंक देख रहे हो, ये सब सोलास के सबॉर्डिनेट्स थे। यस, इन सब को उन्होंने सबजुकेट किया था। दिस वॉज द कम्बोडिया, यस द कम्बोज रूट। ठीक है, ये चीज। और चाइना, चाइना तक वो लोग अपने एनवॉइस को लेकर के पहुंच गए थे। शैलेंद्र वन जो थे, शैलेंद्र रूलर जो थे, इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नागापट्टनम में, नागापट्टनम आप देख सकते हो ये यहाँ पर है, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है राजेंद्र वन के साथ दोस्ती करने पर ये एक बनाई थी। और राजेंद्र वन ने इसको विलेजेस भी दिए थे इसको अपकीप करने के लिए, लेकिन दोनों में ब्रीच हो गया। ब्रीच क्यों हो गया? क्योंकि चोला चाहते थे कि जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको जो भी ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं चाइना तक ट्रेड करने में या इस पूरे ईस्ट एशिया में ट्रेड करने से, वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं इन दोनों ऑब्स्टेकल्स को हटा दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, बिल्कुल प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, और इसीलिए चोला रूलर्स को इन जगहों पर अटैक करना पड़ा, इनको सब्जुगेट करना पड़ा। एंड यस, दे कॉन्क्वर्ड द मलाया पेनिनसुला एंड द सुमात्रा रीजन। ठीक है, दे कॉन्क्वर्ड मलाया पेनिनसुला, इस पूरे रीजन को, और सुमात्रा, ये है सुमात्रा आइलैंड, इस पूरे आइलैंड को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जीत लिया। चुला नेवी जो थी, बिल्कुल पूरे बे ऑफ बंगाल को चुला लेक में कन्वर्ट कर दिया, और फिर बहुत सारे एम्बेसीज वहां पर भेजे गए। एंड दिस ऑल वाज डन इन टाइम ऑफ राजेंद्र वन। राजेंद्र वन थे ग्रेटेस्ट रूलर, इन सब इन्हीं के टाइम पर हुआ है ना, सभी के टाइम पर हुआ। और ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ना, दिस इज अ ट्रेड रूट, ये ट्रेडिंग रूट है। ठीक है, यस, ये है ट्रेडिंग रूट। ठीक है, डिप्लोमेटिक और कमर्शियल दोनों टाइप के रिलेशन जो है चाइना के साथ बना लिए गए। 16 और 33 में दो एम्बेसी चोला रूलर्स ने चाइना को भेजा, बिल्कुल चाइना को भेजा। हमारे किसी भी इंडियन रूलर ने चाइना एम्बेसी कभी नहीं भेजे, एनवॉइस कभी नहीं भेजे। ओके, जो भी कुछ पीछे हुआ, जो भी कुछ ब्रीच हुआ, या जो भी कुछ रिलेशंस बने, दैट वाज थ्रू द बुद्धिज्म ओनली, और वो भी जब चाइनीज इंडिया के अंदर आए। ठीक है, ये चीज। लेकिन ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यों, ट्रेड को वो स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहते थे? ट्रेड को वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे कि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने क्या देखा कि भैया जो लैंड ग्रांट्स है, ये सिस्टम तो यहाँ पर भी है। अब लैंड का ग्रांट तो दे दिया, इसके ऊपर से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ऑफिशियल ने अपने पास रख लिया है ना, कुछ शेयर किंग को दे दिया, कुछ जो शेयर है वो किंग को दे दिया। किंग ने और अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने विलेजेस को ऑटोनोमी प्रोवाइड कर दी है ना, तो विलेजेस से भी उसे कुछ मिल गया। लेकिन भैया इससे भी काम नहीं चलेगा, किंग को भी अपना पर्सनल आर्मी मेंटेन करना है और भी चीजें मेंटेन करनी है, तो उसके लिए ट्रेड को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पर, और ट्रेड से जो भी टैक्स आता था, बिल्कुल जो भी रेवेन्यू इकट्ठे होते थे वो सब किंग के होते थे सारे, इसीलिए उन्होंने ट्रेड में कभी भी कमी नहीं रखी। और यही कारण था कि साउथ इंडियन जो एम्पायर थे वो फिर से रिवाइव हो गए। साउथ इंडिया जिसे लैंड ऑफ द गोल्ड कहा जाता था वो फिर से रिवाइव हो गया। यस, ये चीजें फिर से रिवाइव हो गई। ठीक है, ये चीज भैया रायल सीमा, तुंग भद्रा, दोआब, गंगा रूलर्स, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कर्नाटका, ये सारा का सारा पार्ट एनेक्स कर लिया गया इनटू द चोला एम्पायर। सबसे अच्छा फीचर है इनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने क्या कहा आपको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, विलेजेस जितने भी थे, ऑल एम्पायर जितने भी ऑल ओवर द एम्पायर थे, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई, असेंबलीज क्रिएट कर दिए गए, असेंबलीज तक बना दी गई। और जैसे ही चोलास का रूल हटा, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है डिटेरिएट हो गई, गायब हो गई। ठीक है, ये जो एम्पायर थी चोला एम्पायर, ये 12th सेंचुरी तक फ्लरिश किया, और उसके बाद में धीरे 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 डिटेरिएट होना शुरू हो गया, और 13th सेंचुरी तक आते आते खत्म हो गया। लगभग लगभग 100 साल का रूल, द्वार समुद्र, होयसलास ऑफ द्वार समुद्र, काकतियास ऑफ वारांगल, गंगास ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका, मदुरई, पांड्यास ऑफ मदुरई, इन लोगों ने रूल किया, एंड दे वर अल्टीमेटली सब्जुगेटेड एट लास्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, हिज ब्रेवेस्ट जनरल मलिक काफूर, राइट, ये पार्ट। ठीक है, चालुक्यास जो थे, लेटर चालुक्यास महाराष्ट्र रीजन में रूल करना शुरू किया, फिर पांड्यास और होयसला किंगडम ये आ गई, फिर लेटर चालुक्यास दे वर रिप्लेस्ड बाय द यादवास, यादवास ऑफ देवगिरी, यस देवगिरी, इसको बाद में दौलताबाद नाम दिया गया, और काकतियास ऑफ वारंगल। ठीक है, वारंगल, होयसलास ने बनाया द्वार समुद्र, प्रेजेंट डे कर्नाटक रीजन, ये बना द्वार समुद्र। ठीक है, यस, ये बना द्वार समुद्र, यहाँ पर था प्रेजेंट डे कर्नाटक रीजन, और पांड्यास ने बनाया मदुरा, मदुरई। ठीक है, यस, ये रिवाइव हो गए फिर से। तो ये चार किंगडम्स में, साउथ इंडियन ये फोर किंगडम्स थी, ये किंगडम्स में डिसइंटीग्रेट हुआ। और ठीक 100 साल के बाद भैया अलाउद्दीन खिलजी का आया मलिक काफूर, और इन्हें इन सबको हरा दिया।
ठीक है, ये सब रीजन के टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफी अच्छा पेट्रोनेज मिला, काफी अच्छा पेट्रोनेज मिला, और फिर बाद में अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा दिल्ली सुल्तान ऑफ दिल्ली ने इसको डिसइंटीग्रेट खत्म कर दिया। अब हम पढ़ते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। नाउ इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कमेंट सेक्शन देख लें, है ना, यस हमारे बच्चों को क्या डाउट्स हैं, क्या उनकी क्वेरीज हैं, जरा देखें। सर द्वार समुद्रा वॉज इन 2020 एग्जाम, यस बेटा इट वॉज देयर द्वार दर्शन अकेडमी पर। सर आज एनएच सिस्टम पढ़ाएंगे सर, हाँ बेटा बिल्कुल, इट्स हिस्ट्री। सर व्हाट आर द सोर्सेस फॉर चोला एम्पायर, सोर्सेस ऑफ चोला एम्पायर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, बेटा तो इंस्क्रिप्शंस थे, दोज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द टेम्पल्स, टेम्पल के वॉल पर नरेटिव स्टोरीज लिखी हुई हैं, दीज वर द ओनली मेजर सोर्सेस एंड द तमिल लिटरेचर जो उस टाइम पर डेवलप किया गया, तमिल कन्नड़ तेलुगु, यस ये जो रीजनल लैंग्वेजेस थी इनको भी पैटर्नाइजेशन मिला, संस्कृत लैंग्वेज भी यहाँ पर फ्लरिश की, है ना। नेवर न्यू चोला वॉज द ह्यूज, थैंक यू सर फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच, मर्सी, थैंक यू। सचलिन डायनेस्टी के बारे में और बताएं, बेटा सचलिन डायनेस्टी के बारे में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा हमारे से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, हमको हिस्ट्री पे रिसर्च नहीं करनी मेरे भाई प्रतिभा जी, है ना ये चीज, ओके ये पार्ट, बस सिर्फ इतना ही कि सचलिन डायनेस्टी जो है वो इंडोनेशिया पे रूल करती थी एंड दैट वॉज बुद्धिस्ट एज वेल एज द ब्राह्मण्स, ठीक है ये पार्ट। चल हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब तो यहाँ पर डाउट नहीं है किसी को भी, तो चलो बेटा, है ना, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, ज्योग्राफी, भैया सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही होता है मंत्री, है ना, उसमें ड्रेनेज सिस्टम हम आज लोग पढ़ेंगे 10:30 बजे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर क्लास रहेगी। वेल फ्रेंड्स किंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है किंग, ठीक है ऑब्वियसली होता है कि किंग सबसे टॉप पर होता है, ऑब्वियस सी बात है, और इनके पास इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो कि इनको एडवाइस करते थे, ठीक है। लार्ज आर्मी थी इनके पास, बिल्कुल ये मेंटेन करते थे अपना एलिफेंट कैवलरी इन्फेंट्री कैसे मेंटेन करते थे, ये खुद का पर्सनल आर्मी था, ये जो टैक्सेस आ रहे हैं इनको सैलरी दी जाती थी, बिल्कुल ये किंग की पर्सनल आर्मी थी। मार्को पोलो एक इटालियन ट्रेवलर है जो इसी टाइम पर केरला विजिट करता है, वो बोलता है कि जो बॉडीगार्ड्स हैं चोला रूलर्स के बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो ये कहते हैं मार्को पोलो अपने मेमोयर में कि भैया ये बॉडीगार्ड्स अपने आप को जिंदा तक जला लिया करते थे अगर जब मोनार्क मर जाता था तो उसके पायर यानी कि उसकी अर्थी के साथ, यस एक तरीके देखा जाए तो बॉडीगार्ड्स का सती सिस्टम होता था ये, ठीक है। तो लास्ट दे हैड अ ह्यूज नेवी, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी, पूरा एरिया इनक्लूड सेंट्रल कंट्रोल, लूजली एडमिनिस्टर्ड कंट्रोल, ये टाइप के कंट्रोल में था। हिली पीपल और ट्राइबल्स ये स्टेट इंटरस्पर्स था, क्योंकि अगर हम तमिलनाडु रीजन का अगर हम ज्योग्राफी देखें तो ये है ईस्टर्न घाट्स का पार्ट, ठीक है ये है वेस्टर्न घाट्स का पार्ट यहाँ पर, ठीक है, और ये है प्लेन रीजन, हमारे पास प्लेन रीजन भी है, हमारे पास हिल भी है ना, ये चीजें ये सब था, ओके ये सब पूरा रीजन था, और यहाँ पर वेजेस ट्राइबल्स भी रहा करते थे। बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इनका विलेजेस, विलेजेस ठीक है, यस नंबर ऑफ नाडूस, बिल्कुल नाडूस, ठीक है ये बनाएगा, नाडू क्या था, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ विलेजेस आते थे एक तरीके से ब्लॉक लेवल, यस इट वॉज कॉल्ड एज द ब्लॉक, ठीक है। नाडूस को जो है बिल्कुल ये इंक्रीज किया गया बाय यूजिंग द फ्रेश लैंड कल्टीवेशन पॉन्ड वेल्स, ये सब चीजें ठीक है, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर द चुलास किंगडम और ये डेवलप किया गया। वेल ब्राह्मण्स को ग्रांट दिए जाते थे, जो भी टेम्पल्स बने उनको भी ग्रांट दिए जाते थे फॉर देयर अपकीपमेंट, ब्राह्मण्स उनका स्पिरिचुअल नीड पूरा करते थे, वेरियस टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस ये परफॉर्म किया करते थे, दे वर बेसिकली द प्रीस्ट, ठीक है, और टेम्पल्स दे वर कॉल्ड एज अ मिनी सिटीज, यस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चोलास, ठीक है, यस नाडूस दे वर ग्रुप इनटू वलनाडूस, ठीक है। देखो ऐसे था ये सिस्टम, पहले था यहाँ पर मंडल, ठीक है यस मंडलम, जिसको हम लोग प्रोविंस बोलते हैं, पहले था एम्पायर, सबसे बड़ा क्या हुआ एम्पायर, ठीक है, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम्स, मंडलम्स वर डिवाइडेड इंटू वलनाडूस, वलनाडूस वर डिवाइडेड इंटू नाडूस एंड नाडूस वर डिवाइडेड इंटू विलेजेस, ठीक है। नाडूस जो है एज ए लैंड ग्रांट ये दिया जाता था, ठीक है, टू द ऑफिशियल्स, और विलेजेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी, क्या की गई थी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी, खाली विलेजेस से कुछ शेयर एक टैक्स का इकट्ठा हो गया, नाडूस में ऑफिसर्स को दे दिया जाता था, बाकी सब किंग के पास जाता था, ओके इस तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया था। ऑलराइट,
ये चीज ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट्स की तरह पे किया जाता था, ठीक है। चोला रूलर्स को ट्रेड की सबसे ज्यादा लगी रहती थी, बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत रॉयल रोड जो है वो ले किए, ठीक है, ताकि आर्मी का भी मूवमेंट अच्छे से किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि एंशियंट इंडिया के लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेज लास्ट ईयर्स जो भी एंशियंट इंडिया के चल रहे थे, उसमें जो ये ट्रेड था जो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिटीरेट हो गया, इसको फिर से रिवाइव किया चोला रूलर्स, रिवाइव किया चोला रूलर्स ने। अरब के साथ ट्रेड होता था, प्लस जो मेन ट्रेड था दैट वाज विद द साउथ ईस्ट एशिया, जावा एंड सुमात्रा। क्या होता था यहाँ पर? कॉटन ट्रेड। यस, कॉटन जो है ये सबसे ज्यादा जो है सप्लाई की जाती थी, कॉटन एंड राइस, ठीक है। यस, ये एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। ये चीज इरिगेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान था, टैंक इरिगेशन। यस, अगर हम आज भी देखें भैया, इरिगेशन के तीन टाइप होते हैं ना, एक होता है वेल इरिगेशन, एक होता है कैनाल इरिगेशन, और एक होता है टैंक इरिगेशन, है ना। व्हाट यू विल फाइंड अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो कैनाल इरिगेशन जो है, कैनाल इरिगेशन हमको नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा जहां पर रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, पेरिनियल रिवर्स है, ठीक है। वेल इरिगेशन हमको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेगा, यस, जहां पर ग्राउंड वाटर भी कुछ, चलो कुछ हद तक है, ठीक है, रेन फेड रिवर्स है तो ग्राउंड वाटर भी हमको कुछ लेवल तक मिल जाता है। टैंक इरिगेशन जो है ये हमको मैक्सिमम साउथ इंडियन रीजन में मिलेगा, साउथ इंडिया में मिलेगा या फिर गुजरात में मिलेगा, ठीक है। यस, आर्टिफिशियल लेक्स के फॉर्म में, लेकिन टैंक इरिगेशन हमको मिलेगा, हमको पूरा का पूरा साउथ इंडिया के अंदर। तो ये जो प्रैक्टिस था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द चोला रूलर्स, जिससे एग्रीकल्चर में लीन सीजन में, बिल्कुल जब मॉनसून नहीं है प्रॉपर तरीके से, तब उस टाइम पर भी इस टैंक से वाटर को सप्लाई करके खेतों को, यानी कि फील्ड्स को, फार्म फील्ड्स को इरिगेट किया जा सकता था। उन्होंने बहुत सारे टैंक्स बनाए, बिल्कुल, टैंक इरिगेशंस, दिस वर इलैबोरेटेड। सर्वे ऑफ लैंड, बिल्कुल भैया, बहुत ज्यादा सर्वे किया जाता था इलैबोरेट मैनर में, ताकि गवर्नमेंट का शेयर मालूम पड़ सके लैंड रेवेन्यू में कितना होगा। भैया ऐसा तो नहीं था, पहले के रूलर्स क्या करते थे, पहले के रूलर्स ने कहा कि भैया ठीक है, पूरा लैंड तुमको दे दिया एज अ ग्रांट, अब उससे अपना शेयर रख के हमको ईमानदारी से अपना शेयर दे देना। कोई करेगा क्या ऐसा? भी नहीं करेगा, तो वो ऑफिसर्स भी नहीं करते थे। पर यहाँ पर सर्वे किया गया, भैया अगर 100 रुपया से मालूम पड़ा प्रोडक्शन हो रहा है और 50 रुपीज सैलरी है, तो 50 रुपीज किंग के पास आना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब किंग स्ट्रांग हो, है ना। यस, किंग स्ट्रांग हो, वो उसे इजीली सब्जुगेट करने के लिए दम, ताकत रखता हो, उसके बाद उतनी आर्मी कैवलरी हो, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो ट्रेड के ऊपर इसीलिए ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है, ताकि रॉयल ट्रेजरी में भी पैसा रहे, है ना। ये चीज है ना, इनकम फ्रॉम टोल्स, ट्रेड, टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ये सब यहाँ पर, ये सब किंग का था। और जो भी वॉर में प्लंडर्स मिलते थे वो सब किंग का होता था, इसका किंग का, और किंग इससे अपना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था। पहले ये नहीं था, पहले सब मिल बांट के करते थे, यस, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो हेल्प करते थे किंग की, तो वो सब बढ़ जाता था, ठीक है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम यहाँ पर चेंज हो गया है, चोला रूलर्स पर वेल्दी रूलर्स, बहुत वेल्दी थे, है ना। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, टाउन्स, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, ये सब बनाए। इन सब के बारे में हमको इन्हीं विलेजेस, इन्हीं टेम्पल्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, इन्हीं से हमको मिलता है। अब यहाँ पर आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, दो असेंबलीज बनाए गए, पहली थी उर, दूसरी थी सभा और महासभा, बिल्कुल दो असेंबलीज थी। जनरल असेंबली वॉज द उर, एक तरीके से देखा जाए तो आज का जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, बिल्कुल, उसमें जो ग्राम सभा बन रही है, दैट इज उर, ठीक है, ये चीज गॉट इट। महासभा जो है वो बेसिकली एल्डरमैन की होती थी, जिसमें ब्राह्मण्स ही आते थे, इनको अग्रहरम कहा जाता था। भैया ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आजकल पेपर में टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं, ठीक है, ये चीज है ना, ये पार्ट, ओके, ये चीज। बेटा स्प्रिंकलर इरिगेशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं पूरे फील्ड के ऊपर और फिर उनको वाटर सप्लाई किया जाता है, ठीक है, और वो फिर फील्ड में एज पर द रिक्वायर्ड स्प्रिंकल करते हैं। एक होता है ड्रिप इरिगेशन, है ना, ये आर्टिफिशियल मैनर, ठीक है, हालांकि देखा जाए तो टैंक इरिगेशन भी आर्टिफिशियल मैनर है फील्ड को इरिगेट करने का, ठीक है, पर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्प्रिंकल इरिगेशन, जस्ट टू सेव वाटर, ओवरफ्लो नहीं हुआ, सिर्फ जितना खेत को पानी चाहिए उतना ही। और ड्रिप इरिगेशन में इतना भी, बिल्कुल ड्रिप की तरह चलेगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्रॉप में उतना ही बूंद बूंद करके पानी गिराया जाएगा, है ना, ड्रिप इरिगेशन जस्ट टू सेव वाटर, ओके, ये चीज। तो ये अग्रहम, ये विलेजेस ये बने, ये विलेजेस जितने भी थे ये सब रैंट फ्री विलेजेस थे जिनको ब्राह्मण्स को दिया जाता था, लेकिन लेकिन ऑटोनोमस थे,
पूरी तरीके से ऑटोनॉमस थे, और इसीलिए जो है ये विलेजेस अपनी पोजीशन को ओ करते थे किंग के लिए। इन विलेजेस के जितने भी अफेयर्स थे वो सब एक एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है, एग्जीक्यूटिव कमिटी मैनेज करती थी, जिसके पास सारे राइट्स थे। बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन जो ये एग्जीक्यूटिव कमिटी जो थी, एग्जीक्यूटिव जो है एजुकेटेड पर्सन से बनाई जाती थी, जिनके पास प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी है उसके बेस पर उनको इलेक्ट करना या लॉटरीज निकालना या रोटेशन सिस्टम में लाना, और 3 साल के लिए ये कमिटीज बनाई जाती थी। क्या काम था इनका भैया? बिल्कुल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, जस्टिस, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है ये चीज। और टैंक कमेटी, बिल्कुल इरिगेशन, विलेजेस में क्या फार्म फील्ड है, क्या चाहिए? इरिगेशन चाहिए ना, इरिगेशन, ये पार्ट, गॉट इट। ये चीज महासभा डिस्ट्रीब्यूट करती थी लैंड्स को, और चोला का सेल गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा आपको, इट वाज अ वेरी फाइनेस्ट सिस्टम, ठीक है। जैसे ही चोला रूल डिटेरिएट होता है, लोकल सेल गवर्नमेंट का जो फीचर है वो डिटेरिएट हो जाता है, तो फिर बाद में लॉर्ड रिपन रिवाइव करते हैं लोकल सेल गवर्नमेंट के तौर पर, है ना। यस, ब्रिटिशर्स दे केम टू नो व्हेन दे एनेक्स द कार्नेटिक रीजन, मद्रास में उनका पहला फैक्ट्री बनता है, ये भी हमको पता है ना ये चीज। इन दैट रीजन ओनली दे केम टू नो अबाउट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, की भैया ऐसा भी कुछ एक लोकल सेल गवर्नमेंट होता है ना। लेकिन फ्यूडलिज्म, यस, ये सिस्टम अदर विलेजेस में भी था, और इसने कुछ हद तक फ्यूडलिज्म की ग्रोथ को भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश। इसीलिए चोला एम्पायर जो है वो काफी लंबे समय तक और इंपीरियलिस्टिकली रूल करने में केपेबल रहे। फ्यूडलिज्म, ठीक है, यस, फ्यूडलिज्म से ही वर्ड फेडरलिज्म ये डेवलप हुआ है, ठीक है, ये पार्ट, गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। तो ये था लोकल सेल गवर्नमेंट के बारे में। आप कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। हेलो हेलो लक्ष्य, कैसे हो बेटा? हेलो अर्चना, हेलो मनप्रीत, हाँ मनप्रीत आपने तो बधाई दिया, स्प्रिंकल एजुकेशन एंड स्टोन कोल्ड, वेलकम वेलकम टू द क्लास, नो डाउट। तब हिस्ट्री क्लास करा दो प्लीज, मेरा आज पहला, सब हिस्ट्री क्लास करा दो प्लीज, मेरा आज पहला क्लास है, अच्छा लग रहा है। बेटा हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, 1 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते यार, है ना। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, सारे के सारे लेक्चर्स इसमें दे रखे हैं, है ना, ये चीज, ओके, ये पार्ट। तो चलो भाई, और कोई डाउट किसी को, कोई समस्या अभी तक? क्योंकि अब जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट कल्चरल लाइफ, कल्चरल लाइफ, टेम्पल आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब इसके अंदर आएगा, सब कुछ, ठीक है। वेलकम वेलकम आयासिम, वेलकम, ठीक है, यस यास्मिन, सॉरी यास्मिन, है ना, ये चीज, ओके। तो ये पार्ट, चलो भाई, किसी को डाउट, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो भाई तो देखते हैं कल्चर लाइफ, ठीक है, यस, कल्चर लाइफ में क्या था, अरे ये कहाँ पीछे पहुंच गया, है ना, यस, यहाँ पर भक्ति मूवमेंट हमने देखा, क्या था, हमने क्या देखा था अभी थोड़ा देर पहले, कि भक्ति मूवमेंट जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। भक्ति मतलब टेम्पल में गॉड का पूजा करना, वर्शिप करना। मैंने आपको ये बताया था कि भक्ति मूवमेंट के 2 फॉर्म है, बाद में डेवलप हो रहे हैं ये, लगभग लगभग 13वीं सेंचुरी से एस्टैब्लिश होना शुरू होते हैं। भक्ति मूवमेंट के 2 फॉर्म, एक सगुना भक्ति, एक निर्गुना भक्ति। सगुना भक्ति पहले आती है, सगुना भक्ति मतलब जो गॉड है उसमें एट्रीब्यूट्स है, क्या है, एट्रीब्यूट्स, यस, वो सुंदर है, ठीक है, उनके पास आर्म्स है, ठीक है, यस, उनके पास उनका खुद का एक क्या बोल सकते हैं उसको, वेपन है, है ना, ये चीज। तो ये टेम्पल्स में इनको पूजा, इनका वर्शिप किया जा रहा है, तो दीज आर क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्पल्स। तो ये भक्ति मूवमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश होना शुरू होता है, ठीक है, यस, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जाते हैं ग्रेट एक्सटेंट, जैसे तंजोर, गंगाईकोंडा, कांची, यहाँ पर, ठीक है, लार्ज हाउस होल्ड, भैया अपने कैपिटल सिटीज है, तो रूलर्स ने क्या बनाए हैं अपने लिए, ढेर सारे घर बनाए हैं, पैलेसेस बनाए हैं, पर अब ये पैलेसेस का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, कुछ बचे नहीं है, बिकॉज ऑल वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर जो है एक तरीके से पैलेसेस, बैंक्वेट हॉल्स, स्पेशियस गार्डन्स के साथ ये बनाए गए, लेकिन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर है। आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये टेम्पल का एक गेट बना हुआ है, इसे गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही हम टेंपल में एंटर करते हैं एक ये डीटी है, ठीक है, यस, और यहाँ पर बना है मंडप, मंडप ये है कोर्टयार्ड, ये क्या है, कोर्टयार्ड, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं वर्शिप करने के लिए। ये है गर्भगृह, यहाँ पर मेन डीटी का इमेज है, आइडॉल है, इसके ऊपर बना है, ये है विमान, ठीक है, स्टेप फॉर्म में बना है ये विमान,
स्टेप फॉर्म में, और सबसे ऊपर बना है शिखर, और इसको कवर किया गया है हाई राइज वॉल के साथ। ये है द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मेन फीचर। हम इसको नगर स्टाइल के साथ कंपेयर करें, हमने पढ़ा था नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि गुप्तास के टाइम पर इमर्ज हुआ, इसमें गोपुरम नहीं होता, यानी कि गेटवे नहीं होता। जो टेम्पल बनाया जाता है वो एक हाई रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है, इसके ऊपर स्टेयर्स होते हैं, ठीक है। यस, ये स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर जाते हैं, और फिर यहाँ पर पोर्टिको होता है जिसे मंडप कहा जाता है, और फिर इसके ऊपर एक कर्वी लीनियर जो है ये विमान बना दिया जाता है, ठीक है। यस, विमान बना दिया जाता है, ये होता है गर्भगृह, ठीक है, ये होता है गर्भगृह, ये एक तरीके से मंडप है, ओके, ये चीज। और यहाँ पर फिर शिखर ये रखा हुआ है एक स्फेरिकल शेप में ऐसे लगा के, फिर शिखर, इस तरीके से इसको बना दिया जाता है। दिस इज द नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर देखो गोपुरम, ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर है, ठीक है। बाकी सब फीचर्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, सिर्फ एक गोपुरम और वॉल्स, सराउंडिंग वॉल्स, ये डिफरेंशिएट करते हैं किसको, नगर स्टाइल और द्रविड़ियन स्टाइल के आर्किटेक्चर, पहला। दूसरा डिफरेंस है इनके विमान, ठीक है। जितने भी नगर स्टाइल के आर्किटेक्चर है वो सब कर्वीलीनियर है, कर्वीलीनियर यानी कि कर्व्ड शेप में जाते हैं। कैसे जाते हैं, कर्व्ड शेप में जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सब स्टेप शेप में है, यस, स्टेप शेप में, इस तरीके से। और ये तरीके से देखा जाए यहाँ पर स्कल्पचरल आर्ट दिया हुआ है, ठीक है, स्कल्पचरल आर्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज। हाँ बेटा बिल्कुल, 2018 में बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है मेंस में, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, है ना। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या आप थोड़ा फ्यूडलिज्म वर्ड समझा सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू मिडिवल पीरियड, थोड़ा सा डिटेल में। लबोनिया बेटा, फ्यूडलिज्म वर्ड मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं सिर्फ डाउट ही डाउट है, बिल्कुल समर खान, तो पूछो डाउट, अगर डाउट ही डाउट है तो मैंने मना तो है ना किया है, डाउट ही डाउट है ना, ये चीज है ना। आप पूछोगे नहीं तो फिर मैं कैसे बताऊंगा आपको, आप मेरे को सपने थोड़े ना आ रहे कि तुमको क्या डाउट पूछ रहे हो, ठीक है। तो लबोनिया, आप जैसे फ्यूडलिज्म के बारे में बात कर रहे हो, तो फ्यूडलिज्म जो है ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई रूलर है, उसका ये एम्पायर है, ठीक है, उसमें किंग एक है सेंटर पे। अब किंग के पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो अपने ऑफिशियल्स को सैलरी दे सके, साथ ही साथ में उसको जो भी, ठीक है, उसको जो भी अपने ब्राह्मण्स को, बिल्कुल जो वो सेक्रीफाइसेस कर रहा है उनको भी उनको पे करना है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो लैंड उनको दे देगा, ठीक है। यस, वो ये कहेगा कि इस लैंड से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर्स। अब वो उसका लॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑफिशियल या पर्टिकुलर ब्राह्मण उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का क्या बन जाएगा, मालिक, ठीक है, लॉर्ड बन जाएगा। तब लॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, लॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो इसका बन गया फ्यूडल। यस, इस सिस्टम को बोलते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है, इस सिस्टम को बोला जाता है फ्यूडलिज्म। ऐसे क्या होगा कि एक पीस ऑफ लैंड है, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, और किंग बस सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इनके हो गए वासल चीफ्स और द फ्यूडल। इस सिस्टम को कहा जाता है द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है, ये चीज, इस सिस्टम को कहा जाता है फ्यूडलिज्म, ऑलराइट, ये पार्ट, ओके। नाउ अब हम आते हैं वापस लौट के हमारे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर, क्लियर है भाई। मिस्टर क्या नाम था इनका, समर खान, डाउट तो पूछा नहीं तुमने यार, है ना भाई, मैंने इतना कह भी दिया तुमसे फिर भी नहीं पूछा, तो इसका मतलब तुमको डाउट नहीं है, तो बेटा प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ओके, ये चीज, गॉट इट। नाउ कल्चर लाइफ की हम यह बात कर रहे थे टेम्पल के बारे में, ये तो दिस स्टाइल, इस स्टाइल को हम लोग बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। और ये सिर्फ साउथ इंडिया तक ही है, इसके बाद में जब जब रूलर्स जो आगे आगे आते हैं ना, तो वो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसे नए स्टाइल बन जाते हैं। बेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, नायक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मदुरई में ये बनी, विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, बेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये होयसला किंगडम्स में हेलेबेट के जो रूलर्स थे होयसलास, है ना, बाद में जो आते हैं द्वार समुद्रा वहां पर हमको देखने को मिलती है। में क्या होता है कि उसमें जो है नॉर्थ नगर स्टाइल और जो ये वाला स्टाइल है द्रविड़ स्टाइल, इसका ये फ्यूजन है, ठीक है। नायक स्टाइल में कल्मिनेशन पहुंच जाता है, गोपुरम और बड़े हो जाते हैं। विजयनगर स्टाइल में क्या होता है कि विजयनगर स्टाइल में इस्लामिक कल्चर भी इनकल्केट कर लिया जाता है, ठीक है। नाउ अगर आप जैसे बृहदेश्वर टेंपल में जाओगे, देखोगे उसको, तो बाहर से वो आपको काफी डेकोरेटिव दिखेगा, लेकिन जैसे आप अंदर एंटर करोगे,
बिल्कुल, जैसे आप गर्भगृह में या मंडप में एंटर करोगे तो वॉल्स एकदम प्लेन है, पिलर्स एकदम प्लेन है, ठीक है, ये चीज गॉट इट। मेन फीचर क्या है इसका? मेन फीचर है इसका गर्भगृह, जिसमें बहुत सारी मंजिलें यानी कि स्टोरीज बनी हुई है, ठीक है, यस, बहुत सारी स्टोरीज बनी है, इसीलिए ये कर्व, इसीलिए ये स्टेप पैटर्न पर है, ठीक है, स्टेप पैटर्न पर है, और यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं ढेर सारे, ठीक है, यस, इसे विमान कहा जाता है, विमान। शिखर जो वर्ड है वो शिखर वर्ड यूज किया जाता है नगर स्टाइल में, विमान वर्ड यूज किया जाता है इन द द्रविड़ियन स्टाइल में। एक पिलर्ड हॉल है जिसे मंडप कहा जाता है, मंडप, ठीक है, यस, मंडप, इसे जो है जगन्नाथ, जगमोहन, सॉरी, नॉर्दर्न स्टाइल में बात करें तो इसे जगमोहन बोलते हैं, नॉर्दर्न स्टाइल के नाम, जगमोहन, ठीक है, अगर उड़ीसा में आप बात करोगे तो मंडप को, यहाँ मंडप जो है एक तरीके का कोर्ट यार्ड है, पिलर्ड जो है फ्लैट रूफ, एक कोर्ट यार्ड है, यहाँ पर लोग बैठ के पूजा करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ऑडियंस हॉल है एक तरीके से, ऑडियंस हॉल, यहाँ पर परफॉर्मेंस, जैसे देवदासी सिस्टम ये इमर्ज हो गया था, है ना, आपने पढ़ा था लास्ट ईयर पल्लवास वाले टाइम पर, मैंने बताया था आपको ये सिस्टम इमर्ज हो गया था इन द टेम्पल्स, तो यहाँ पर मंडप में जो है ये वेरियस फंक्शंस और ये सब कुछ किए जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक सैंक्टम, यस, एक डीटी का घर होता है, ठीक है, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, और बिल्कुल हर मंदिर का एक दरवाजा होता है जिसे कहा जाता है गोपुरम, दीज आर द लॉफ्टी गेट्स, ओके, द कोर्ट यार्ड इज सराउंडेड बाय द हाई वॉल्स, ताकि कोई एंक्रोच ना कर पाए, एनक्लोज्ड मैनर में, ठीक है, यस, हाई वॉल्स के थ्रू, प्लस जितने भी टेम्पल्स हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स थे, देज वर ऑल्सो दी एजुकेशन सेंटर, ये मैंने आपको बताया था पांड्या पल्लवास के टाइम पर एजुकेशन सेंटर्स थे, ये यहाँ पर एजुकेट भी किया जाता था बच्चों को, ठीक है, यस, और विद द पैसेज ऑफ टाइम विमान्स और ऊंचे होते चले गए, कोर्ट यार्ड्स और बड़े होते चले गए, गोपुरम और इलेबोरेट होते चले गए, ठीक है, और ये टेम्पल बन गए अपने आप में एक स्मॉल सिटी, जहां पर लिविंग रूम्स भी बनाए गए, प्रीस्ट भी अब वहां पर रहते हैं, ठीक है, देवदासीस भी वहां पर अब रहते हैं, और इनको ग्रांट्स मिलना शुरू हो गए, रेंट फ्री ग्रांट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद जो ऑफरिंग्स होते थे, बिल्कुल जैसे मान लो मैं गया मंदिर में तो मैंने भी ऑफर किया, मैंने भी कुछ भगवान को कुछ भी चढ़ा दिया, तो उससे ये टेम्पल्स के पास में ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया, यस, लॉट्स ऑफ मनी, एंड दे बिकेम रिच, दे बिकेम रिच, इतने रिच कि अब वो उधार दे सकते हैं, यस, दे एंटर इनटू द बिजनेस, दे कैन लेंट मनी, दे कैन पार्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये साउथ इंडिया में देखा जाए तो आज भी है, ये चीज है, ये आज भी प्रेवलेंट है ना, यस, इन सर्टेन टेम्पल्स, ओके, ये पार्ट उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, ये आप देख सकते हो, दिस इज द बृहदरेश्वर टेम्पल, ठीक है, इट इज अ बृहदरेश्वर टेम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल एंड द मोस्ट एलैबोरेट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइम, तंजावुर राज, राजा वन ने ये टेम्पल को बनवाया था, ये है, ठीक है, ये है इसका मंडप, ठीक है, ये गार्डन बना हुआ है, इसमें एक वाटर टैंक भी होता है, ठीक है, यस, द्रविड़ स्टाइल का जो आर्किटेक्चर की शुरुआत है वो कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, बिल्कुल 8th सेंचुरी AD में पल्लवास के टाइम पर, ठीक है, ये चीज, ये देखो, ये है गंगईकोंडा चोलापुरम में टेम्पल, ये राजेंद्र वन ने बनवाया, ठीक है, यस, गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, ये चीज, लेकिन जैसे ही इन चोला डायनेस्टी का फॉल होता है तब उस टाइम पर बिल्डिंग एक्टिविटी डिटीरिएट नहीं होती है, कंटिन्यू करते हैं कल्याणी और चालुक्यास एंड होयसलास, ठीक है, इनको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हेलिबेट में, दिस इज अ हेलिबेट, आप देखो ये स्टेयर्स केसेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्लैट रूफ आ गया, और विमान छोटे छोटे हो गए, विमान छोटे छोटे हो गए, ठीक है, द मोस्ट मैग्निफिसेंट विज द होयसलेश्वर टेम्पल, ये होयसलेश्वर टेम्पल है, ठीक है, इस हेलिबेट में, ये हेलिबेट एक प्लेस है कर्नाटका में, ये वहां का टेम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द चालुक्यन स्टाइल, ओके, ये चीज, इमेजेस जितने भी हैं गॉड्स के स्कल्पचर्ड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब इमेजेस स्कल्पचर्ड बने हुए हैं गॉड्स के, है ना, ये यक्ष और यक्षिणी बैठे हुए हैं जस्ट एंट्रेंस गेट के ऊपर, है ना, एंट्रेंस गेट के पास में, इंक्लूडिंग डांस म्यूजिक सक्सेस ऑफ वॉर और लव, इन सबको, ये लाइफ को, पेनोरामा ऑफ लाइफ इसको डिपेक्ट किया गया है, एंड दिस वॉज अ मेन सोर्स, बिल्कुल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए टेम्पल, साउथ इंडियन टेम्पल्स वर द मेन सोर्स, ठीक है, ये चीज एक तरीके से देखा जाए तो रिलीजन को लाइफ के साथ जोड़ दिया गया यहाँ पर इन टेम्पल्स में, कॉमन मेनली देखा जाए तो टेम्पल्स खाली हब नहीं था वर्शिप करने के लिए, बल्कि कल्चरल लाइफ भी थी यहाँ पर, हर जितने भी फेस्टिवल्स होते थे उन सबको टेम्पल्स के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग,
एक एजुकेशनल सेंटर की तरह भी इमर्ज हुए। यहाँ पर बच्चों को जो भी एजुकेशन सिस्टम था, बच्चों को जो भी एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी, दैट वॉज अंडर द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स ओनली। स्कूल्स और उस टाइप से वो सब नहीं थे। सिंपल तरीके से देखा जाए तो मठ ये बना दिया गया है ना, यस मठ। बाद में इन्होंने मठ का जो है रोल लिया है ना, ये चीज स्कल्पचर मेकिंग जो थी है ना। यस बेटा, ये क्या बोलते हैं इसको, पंचयत्न स्टाइल जो थी, दैट वाज द द्रविड़ियन स्टाइल आल्सो, द्रविड़ में भी थी। और पंचयत्न स्टाइल में क्या होता है कि पांच डीटीज होते हैं, ओके। और जो हेलिपेड वाला आर्किटेक्चर है जिसको होयसलास ने कैरी ऑन किया, उसमें इन फाइव डीटीज को भी मंडप मिल गया, गोपुरम मिल गया, सॉरी गोपुरम कह रहा हूँ, विमान मिल गया है ना, ये चीज कवर्ड हो गए। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोला रूलर्स, द्रविड़ स्टाइल का जो स्टार्टिंग है, उसमें जो डीटीज थे दे वर नॉट हैविंग द विमान विद देम, ओके। ये चीज गॉट इट, ओके, ये पार्ट ठीक है, ये चीज। नाउ आर्ट ऑफ स्कल्पचर जो है, यस दे अटेंड वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। भैया सबको पता है गोमतेश्वर सबन मेरगोला, कितनी ऊंची मूर्ति है जैन भगवान की है ना, जैन स्टैच्यू। यस हर साल इस पर एक मेला सा लगता है, अभिषेक भी होता है इसका। और मोस्ट फेमस नटराज टेम्पल है ब्रोंज इमेज, ओहो ब्रोंज इमेज है ना, यस। ये चोला रूलर्स के टाइम पर ये बना, नटराज का है ना, ब्रोंज का जेनिथ पर पहुंच गया ब्रोंज आर्ट एंड आर्किटेक्चर अपने टाइम पर है ना, यस। और भी वेरियस डिटीज को पैटर्नाइज किया गया, ठीक है। नाउ संस्कृत, अब लैंग्वेज की बात करते हैं। संस्कृत इट वाज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर, नंबर ऑफ किंग्स एंड स्कॉलर्स ने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेजेस का ग्रोथ होता है इस पीरियड में, वो सबसे ज्यादा रिमार्केबल है, ठीक है। जितने भी पॉपुलर सेंट्स हैं, नयनास, देवर द शैवाइट्स, अल्वस, देवर द वैष्णवाइट्स, इन्होंने फ्लरिश किया तमिल को। बिल्कुल 6th और 9th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे वर्क्स इन्होंने कंपोज किए, स्पेशली द रामायण एंड द महाभारत। रामायण एंड महाभारत ये दो एपिक हैं हमारे, ठीक है, हिंदू कल्चर के। इनको तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में, इनिशियल लेवल पर सबसे पहले तमिल में नयनास एंड अलवर सेंट्स ने इसे ट्रांसलेट किया है ना। और तिरुमुरई, तिरुमुरई जो है बिल्कुल एक, ये 11 वॉल्यूम करके एक बुक लिखी गई तिरुमुरई, इसको फिफ्थ वेद भी कहा जाता है। फिफ्थ वे शेवाइट सेंट्स ये लोग लिखते हैं। कंबन, अ ग्रेट तमिल स्कॉलर, ठीक है, 11th सेंचुरी AD का, उनके बेटे, इस गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। संगम लिटरेचर के बाद में जो भी इसको डेवलपमेंट हुआ है, दैट वाज ऑफ द कंबन। और कंबन की रामायण साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। क्लासिकल संस्कृत, क्लासिकल तमिल लैंग्वेज में ये लिखी गई है, और तमिल लिटरेचर का ये सबसे पायस बुक है रामायण, कंबन से रामायण, ठीक है, ये चीज। आफ्टर द फर्स्ट बुक रिटन आफ्टर द संगम लिटरेचर, ठीक है, ये चीज है ना, ये पार्ट, ओके। कन्नड़ में भी काफी ज्यादा बुक्स लिखे गए, राष्ट्रकूट और चालुक्य डायनेस्टी ने पैटर्नाइज किया, ठीक है, कन्नड़ को, साथ ही साथ में तेलुगु को। अमोघ वर्ष, ये कन्नड़ पोएट थे अमोघ वर्ष, ठीक है, ये राष्ट्रकूट किंग थे। पंपा, उन्ना एंड रन्ना, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कन्नड़ स्कॉलर्स हैं, पोएट्री लिखते हैं, और इन्होंने रामायण और महाभारत को कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा, कन्नड़ लैंग्वेज में। महाभारत का नानिया ये चालुक्यन रूलर में है, तेलुगु वर्जन ये लिखते हैं महाभारत का नानिया, ठीक है, ये चीज। हमको सिर्फ ये नाम ध्यान करने हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए, ठीक है, यस। यहां से मैंने आपको क्या बताया था, रीजनलिज्म, यस, रीजनल पावर्स इमर्ज होना शुरू हो गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लास्ट फेज ऑफ द एंशिएंट इंडिया, और वहां पर बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस इमर्ज होना शुरू हो गई। तमिल तो थी, साथ में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इसके बाद में आती है, बहुत लेट आती है, काफी ज्यादा यंग है। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की हम बात करें तो मलयालम जो है चारों लैंग्वेजेस में सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है तमिल, उसके बाद है कन्नड़, फिर तेलुगु का नंबर आता है, और फिर मलयालम, ठीक है, ये चार सिस्टर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, इनमें से सबसे छोटी सिस्टर जो है वो है मलयालम, ओके, ये चीज। तो ये बाद में आती है, ठीक है। तो महाभारत, महाभारत तेलुगु वर्जन में नानिया ये लिखते हैं। हमको सिर्फ स्कॉलर्स के नाम ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखना है, है ना, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आजकल जो है इन वर्ड्स के बेस पर और इन नेम के बेस पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनने लगे हैं, ठीक है। 8th से लेकर के 12th सेंचुरी तक का जो ये पीरियड है भैया, बिल्कुल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनल किंगडम, रीजनल डिसइंटीग्रेशन के बाद में एक कल्चरल ग्रोथ हुआ,
है, यस, डेवलपमेंट हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स का, फिर से साउथ इंडिया जो है अपनी पुरानी पोजीशन में, यस इट बिकेम द वेरी रिच। नॉर्थ इंडिया में ये चीज नहीं थी मेरे भाई, यस नॉर्थ इंडिया में कंडीशन दूसरी थी, ठीक है। साउथ इंडिया डेवलप होना शुरू हो गया फिर से। पहले क्या था, नॉर्थ इंडिया टॉप पर पहुंचा, साउथ इंडिया नीचे था। साउथ इंडिया ने भी राइज करना शुरू किया, तब तक नॉर्थ इंडिया डिटीरिएट कर गया, फिर साउथ इंडिया भी डिटीरिएट किया। मेंशन टाइम पर हमने देखा था ना, फेडरलिज्म साउथ इंडिया में भी इमर्ज होना शुरू हो गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही चोला रूलर्स आए, राष्ट्रकूट के टाइम पर इमर्जेंस हुआ, और फिर बाद पल्लवास एंड राष्ट्रकूट, फिर चालुक्यास, इनके टाइम पर थोड़ा बहुत जो एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको कल्मिनेशन पर कौन लेके गया इस पूरी लाइफ को, चोला। और उसके बाद में जो चार किंगडम्स बने थे, वर द वेरी रिच, एक ट्रेड जो था वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुका था प्रॉपर तरीके से। और जो ट्रेड होता था, जब मैंने आपको बताया, दैट वाज इन द कॉटन, कॉटन ठीक है, राइस और मलाबार कोस्ट से स्पाइसेस, मलाबार कोस्ट से स्पाइसेस, ठीक है। ये चीज, ये था मेन आइटम ट्रेड का, जिसमें कि ढेर सारा जो है इनको पैसा मिला। और यहाँ पर मर्चेंट और आर्टिसंस का स्ट्रेंथ बढ़ता चला गया, डेवलपमेंट होता चला गया, फॉरेन ट्रेड बढ़ा, प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ गई, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भी जब साउथ इंडिया पर अटैक किया था ना, दैट वाज फॉर द गोल्ड ओनली, उसे गोल्ड चाहिए था, पैसा चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के सपना था, यस, कि उसे पूरी इंडिया को कॉन्कर करना है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, ठीक है, यस, दूसरा सिकंदर बनना है, अलेक्जेंडर बनना है, उसे का सपना था ये, ठीक है। ये चीज, उसके लिए बहुत ढेर सारा लंबा बड़ा आर्मी चाहिए, आर्मी के लिए पैसा चाहिए, है ना। एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडिया हु हैड अ वेरी वास्ट स्टैंडिंग आर्मी। उसके पहले तक किसी के पास भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, नॉट इवन विद द कुतुबुद्दीन ऐबक, क्रिस्तुतमिश, और उसके पहले जितने भी और रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स तक के पास में स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, सिर्फ उनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, बिल्कुल, जिनके पास कैवलरी थी, और वो उसी से जो है वॉर जो है लड़ा करते थे, ठीक है। ये चीज, तो दिस इज ऑल अबाउट द चोलास, यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब आप देखें जरा डाउट्स क्या क्या पूछते हैं, है ना। सर, वर द पीपल ऑफ दोस स्टेट आर अलाउड टू एंटर टेंपल्स और नॉट? इफ यस, देन दे डू गेट एजुकेशन एज वेल? यस, एट दैट टाइम इट वाज देयर, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट्स मिलते थे बेन मर्जी, ठीक है, यस, एट दैट टाइम व्हेन द ब्राह्मण्स दे गॉट द लैंड ग्रांट्स, उनको टिल कौन करेगा? हु आर गोइंग टू फ्लो दोस लैंड्स? ओनली द शूद्रास, यस, द लोअर कास्ट पीपल, द लो कास्ट पीपल, ठीक है। अब ये तो फिर बाद में रिजिडनेस होना शुरू हो गई, ठीक है, यस। ट्रेड एंड कॉमर्स से इतना पैसा आ गया कि जब लैंड रेवेन्यू हुई, लैंड से जो पैसा आना था, वो जो रेवेन्यू जनरेट लैंड से होता था, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। क्या हुआ? उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, सिर्फ फूड ग्रेन्स ऑफरिंग्स, बिल्कुल किसी के बस यही बस रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब गोल्ड आना शुरू हो गया, ट्रेड फ्लरिश किया, गोल्ड का जो है वो एक्यूमुलेशन शुरू हो गया इन द टेम्पल्स, तब फिर किसको चाहिए, है ना। ये चीज, वो तो फिर अपने आप आ जाएगा ऑफरिंग्स के तौर पर, है ना, ये चीज, है ना। ये रायचूर दुआ, रायचूर दुआ तुंगभद्रा और कृष्णा के, है ना, ये चीज। हाँ, अभी कृपा, अभी पीडीएफ नहीं है टेलीग्राम पर, मैं एकदम से टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं डालता बेटा, है ना। क्या होता है कि मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि एक बार जैसे आपने ये सेशन को देखा, आप बुक लो, बुक को एक बार रीड करो, ठीक है। आप पहले बुक लो और बुक को आप एक बार रीड करो, है ना। यस बेटा, वर्ना सिस्टम इज अ प्रीकर्सर टू द कास्ट सिस्टम, नॉट अ वाइस वर्सा, इट इज नॉट अ वाइस वर्सा। वर्ना सिस्टम वाज अ प्रीकर्सर ऑफ कास्ट सिस्टम, पहले वर्ना सिस्टम आया, और उस वर्ना सिस्टम बाद में जब डिटेरिएशन हुआ, अपहेवलनेस हुई, वेरियस ट्राइब्स को इनकॉर्पोरेट किया गया इनटू द फोर फोल्ड ऑफ दिस वर्ना सिस्टम, ठीक है, मैंने कास्ट बनना शुरू हो गए, तब कास्ट सिस्टम आया। वाइस वर्सा नहीं है ये, अब इसका रिवर्स प्रोसीजर नहीं है, है ना। यस, अब इतनी ज्यादा इंटरमिंगलिंग हो चुकी है वेरियस कास्ट की, कि अब कौन वाकई में वर्ण सिस्टम के बेस पर है उसे बता पाना बहुत मुश्किल है ना, ये चीज। थैंक यू मर्सी, थैंक यू। एंड कृपा, मैं बेटा कृपा, मैं जो है कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस पर टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड नहीं करता। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आज आपने ये सेशन को देखा, पढ़ा, सीखा, ठीक है, सीखने के बाद में आप जो है इसको, बुक को रीड करो। यस, सतीश चंद्रा क्लास 11 का, सतीश चंद्रा का बुक है मेडिवल हिस्ट्री का, इसे रीड करो, इस चैप्टर को रीड करो, है ना, ये चीज। उसके बाद जो है आप फिर पीडीएफ से पढ़ो,
ठीक है, वो फिर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ विकी रे पूछते हैं, सदन का इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का क्रोनोलॉजी बता दो। कोई जरूरत नहीं है जानने की, कोई हमसे कोई नहीं पूछेगा, है ना ये चीज। नन इन नन ऑफ द एग्जाम इट इज गोइंग टू कम। ओके, सिर्फ हमको इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जानना है। शास्त्रा बोलते हैं, सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम? आई थॉट इज इट द सेम? नो, इट इज नॉट द सेम बेटा। वर्ण सिर्फ चार है, कास्ट बहुत सारी है। देयर आर ओनली फोर वर्ण, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य एंड शूद्र। ओके, दिस इज द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डिविजन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ लेबर, वाइल कास्ट सिस्टम इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट विच इमर्ज्ड ड्यू टू द इंटरमिंगलिंग ऑफ द लोअर टू वर्णास एज वेल एज ऑफ द हायर टू वर्णास ऑल्सो, है ना, अनुलोम प्रतिलोम मैरिज, इन सब के कारण जो वर्ण जो कास्ट डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है, उन्हें जाति कहा जाता है। सर अ स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ पॉसिबल प्लीज अपलोड द मैराथन सेशन पीडीएफ, आई एम इन डायर नीड ऑफ कंटेंट ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। ओके, डेफिनेटली यार, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, है ना, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको मिल जाएगा, नहीं है उसमें, नहीं मैं डाल देता हूँ। ओके, मैं डाल देता हूँ। व्हाई चोलास वर नॉट ग्लोरिफाइड सो मच दो दे वर माइट दे दी आर ग्लोरिफाइड, गो एंड विजिट साउथ इंडिया थ्रू। यस यस, दे वर लार्जली ग्लोरिफाइड। देखो बेटा, नॉर्थ इंडिया इसीलिए ज्यादा हिस्ट्री में आता है, हम लोग नॉर्थ में रहते हैं सबसे पहले। दूसरा, नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए, है ना। यस, यू टू, यू टू बेटा, यू टू, है ना। यस सर, कास्ट वाज कॉल्ड एज वर्ण इन वैदिक कल्चर? नो नो, हु सेड लबोन्या, हु सेड कास्ट वाज कॉल्ड एज इन वर्ण इन वैदिक कल्चर? नो, इट वाज अ वर्ण ओनली। कास्ट तो बहुत बाद में इमर्ज्ड हुए, आफ्टर द गुप्तास दे गॉट इमर्ज्ड, है ना। यस, नो 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 बेटा, नो, कास्ट जो जो है वो बाद में डेवलप हुआ है बेटा। यस, हाई कास्ट लोग भी आज के टाइम पे देखो ना, हाई कास्ट पीपल दे आर ऑल्सो एंगेज इन द एग्रीकल्चर। यस, दे आर ऑल्सो एंगेज इन द एग्रीकल्चर, ये चीज। तो कास्ट सिस्टम दैट इज अ डिफरेंट थिंग बेटा। कास्ट वर्ण में आते हैं। यस बेटा, वर्ण में। यस, शूद्रास तो उनके भी बिगेस्ट कास्ट बन गए, अनटचेबल, चांडाल्स, है ना, ये चीज। ओके, वैश्य तो उसमें भी कास्ट बन गए, है ना, ये पार्ट। सो गाइस, अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। रात को अभी 10:30 बजे अपना सेशन है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, अनअकैडमी पर आना मत भूलना। एंड मैं सजेस्ट वही करूंगा कि आप में से जो बच्चे 2021 या 2022 देना चाह रहे हो एग्जाम, भैया सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन जरूरी है यार, क्योंकि उससे आती है रेगुलरिटी। हर चीज यूट्यूब पर कवर नहीं हो पाती, हर एजुकेटर एंड अकेडमी का आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ा पाता, तो इससे आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं हो पाती बेटा, वो आपको प्लस पे ही मिलेगी। तो आई सजेस्ट कि आप अनअकैडमी कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट पाओ, प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो गाइस, मिलते हैं 10:30 बजे। थैंक यू, थैंक यू।